गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डू नेक्स्ट चैप्टर कोरिलेशन एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, सब तो पहला आप कोरिलेशन का मीनिंग करना है। द रिलेशन बिटवीन टू सीरीज व्हेन मेजर्ड क्वांटिटेटिवली इज नॉन एज कोरिलेशन। कोई भी दो सीरीज लिया जाए ने उन्होंने जो रिलेशन दसया जाता, जो मात्रात्मक माप किया जाता, उन्होंने की किया जाता कोरिलेशन। कि कोई भी दो सीरीज़ दे विच एक्स और वाई दे विच जो रिलेशन देखना होंगे तो उहदे विच किहड़ा रिलेशन देखा जाता, क्वांटिटेटिवली रिलेशन देखा जाता, मात्रात्मक माप किया जाता, मात्रात्मक माप के संबंध में की कहा जाता कोरिलेशन, सह संबंध जिन्हों बोलते हैं पंजाबी दे विच। ड्यू टू दिस कोरिलेशन चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन सीरीज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ अदर सीरीज कॉरस्पोंड। देखो ये जदों एक सीरीज़ दे विच चेंज होगा, एक सीरीज़ दे विच चेंज सीरी दे विच चेंज होने दे नाल अपने आप दूसरी सीरी दे विच भी चेंज हुंदा जाऊगा। देखो फॉर एग्जाम्पल जिदा आपां एक्स ले ली और वाई ले ली, एक्स दे विच आपां प्राइस शो करते हैं तो दूसरी साइड आपां शो करते हैं डिमांड। तो आपां नूं पता है डिमांड और प्राइस का किहड़ा रिलेशन है, नैगेटिव रिलेशन है, कि जिदा जिदा प्राइस वधदी जाऊगी तो डिमांड की हुंदी जाऊगी, करती हो जाऊगी। ठीक है, सो इदा इन्हों का आपस के रिलेशन पाया जाता है। तो एक चीज़ वधन के नाल दूसरी चीज़ डिक्रीज़ होंगी भी है, जो एक चीज़ घटन के नाल दूसरी वधदी है, जो दोनों सेम रहिंदियां ने तां ये रिलेशन है जो एक सीरीज़ दे विच चेंज आने दे नाल दूसरी सीरीज़ दे विच अपने आप चेंज आ जाऊगा। ठीक है, दिस चेंज मे बी इन द सेम और इन द ओपोजिट डायरेक्शन। मैं तुहानूं पहले ही दसता कि यह जो चेंज आऊगा जां तां सेम रहेगा जां ओपोजिट डायरेक्शन दे विच होगा, एंड मैगनीट्यूड ऑफ चेंज मे नॉट बी द सेम। तो उन्हां दा चेंज होने की जो माप होगा वो इक्वल नहीं होगा, वो इक्वल रेशो दे विच चेंज नहीं होगा, वाधा घट वध घट रेशो दे नाल वो चेंज होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सिम्पसन एंड काफका, कोरिलेशन एनालिसिस डील्स विद द एसोसीएशन बिटवीन टू और मोर वेरीएबल्स। जिहड़ा कोरिलेशन एनालिसिस किया जाता है वो किहदे नाल डील करता है, जां तां दो सीरीज़ दे नाल, जां तां दो तो वध सीरीज़ दे नाल भी डील करता है। नैक्सट मेन आपां करांगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन दे विच फस्ट टाइप पॉजिटिव एंड नैगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव एंड नैगेटिव कोरिलेशन दे विच की है, फस्ट इफ द चेंज इन द बोथ वेरीएबल्स इज इन द सेम डायरेक्शन द कोरिलेशन इज पॉजिटिव, मीनस इफ एक्स इज इनक्रीज वाई आलसो इनक्रीज एंड इफ एक्स फॉल्स दैन वाई आलसो फॉल्स। देखो जदों एक्स और वाई दो वेरीएबल्स लेने हो, दो और दोनों सेम डायरेक्शन दे विच चेंज होंदे ने, सेम जे एक वधदा तो दूसरा भी वधूगा, जे एक घटदा तो दूसरा भी घटूगा, जिदा एक्स इनक्रीज वाई इनक्रीज एक्स डिक्रीज वाई डिक्रीज। ठीक है, तो कि कोरिलेशन होगी पॉजिटिव कोरिलेशन। नैक्सट इफ द चेंज इन बोथ वेरीएबल्स इज इन ओपोजिट डायरेक्शन, जदों ओपोजिट डायरेक्शन दे विच चेंज होगा दैन कोरिलेशन इज नैगेटिव, और इफ एक्स इन इनक्रीज वाई डिक्रीज और इफ एक्स डिक्रीज वाई इनक्रीज। ठीक है, तो ये ओपोजिट डायरेक्शन दे विच किदां कि जदों एक चीज़ इनक्रीज़ करेगी दूजी डिक्रीज, दूजी सीरीज़ की होगी डिक्रीज़ होगी, जदों पहली डिक्रीज़ होगी तो सैकेंड की होगी इनक्रीज़ होगी। ठीक है, देखो एग्जाम्पल पॉजिटिव कोरिलेशन किदा, जिदा प्राइस और सप्लाई ले लिया, अपन पता है कि प्राइस और सप्लाई दे विच सेम रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, तो जिदा जिदा प्राइस इनक्रीज होंगी जाती है सप्लाई भी इनक्रीज होंगी जाती है, ये कि पॉजिटिव कोरिलेशन। नैगेटिव दे विच देखो प्राइस डिक्रीज होंगी भी इनक्रीज होंगी भी है, तो सप्लाई की है डिक्रीज होंगी भी है, इतने तुसी डिमांड भी शो कर सकते हो। ठीक है, देखो ये प्राइस इनक्रीज 20, 21, 22, 23 बट सप्लाई की होंगी भी है डिक्रीज होंगी भी है 100, 90, 80, 60, दैट इज नैगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, नैक्सट लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरीएबल इज एट अ कॉन्सटेंट रेशियो टू चेंज इन द अदर वेरीएबल द कोरिलेशन इज लीनियर। देखो जदों एक वेरीएबल जो रेशो जिस रेशो के नाल चेंज आऊगा तो दूसरे दे विच भी सेम रेशो के नाल चेंज आऊगा, दैट इज़ लीनियर कोरिलेशन। उन्हां दी चेंज होने की रेशो की होगी सेम होगी, दैट इज़ लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर की है, इफ द अमाउंट ऑफ द चेंज इन वन वेरीएबल इज़ नॉट एट कॉन्सटेंट रेशो टू द चेंज इन द अदर वेरीएबल द कोरिलेशन इज नॉन लीनियर। जदों एक्स सीरीज़ दे विच जो चेंज जिस रेशो दे नाल चेंज हुंदा है, वाई सीरीज़ दे विच उस रेशो दे नाल चेंज ना होवे,
डिफरेंट चेंज होवे तां ओह रेशियो जो उहनां दी चेंज हुंदी आ ओह डिफरेंट डिफरेंट होवे, डैट इज़ नॉन लीनियर। देखो लीनियर कोरिलेशन दी एग्जाम्पल प्राइस है, मान लो 20, 21, 22, 23, 1-1 इनक्रीज हुंदा पिया, सप्लाई 100, 200, 300, 400, इस जो 100-100 सेम रहिंदी है ना रेशियो, ठीक है, तां इत्थे दोनों की रेशियो सेम है, डैट इज़ लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। बट नॉन लीनियर दे विच की है, नॉन लीनियर कि इहदे विच इनकम देखो पहला आपां लई 2000, 2500, 3000, 3500, इत्थे किन्ने किन्ने का इनक्रीज हुंदा पिया 500 दे नाल, कंजम्पशन 700, 1000, 1600, 2100, इत्थे रेशियो की है चेंज होण दी, डिफरेंट है। इत्थे देखो किन्ने ना 300 ना, इत्थे 600 ना, ते इत्थे किन्ने ना 500 दे नाल, अलग अलग है ना रेशियो, सेम नहीं, तो इस करके की है नॉन लीनियर कोरिलेशन। नेक्स्ट टाइप सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन व्हेन देयर आर ओनली टू वेरिएबल्स एंड द रिलेशन इज स्टडीड बिटवीन दोज टू वेरिएबल्स इज इट इज सिंपल कोरिलेशन। देखो जदों ओनली टू वेरिएबल्स गिवन होन, एक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स गिवन होन, ते उना दो दे विच आपां रिलेशन फाइंड करना है ओनली टू वेरिएबल्स दा, दैट इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। नेक्स्ट मल्टीपल कोरिलेशन व्हेन देयर आर मोर दैन टू वेरिएबल्स, जदों साडे कोल टू वेरिएबल्स तो मोर दैन वेरिएबल्स होन एंड द रिलेशन बिटवीन वन वेरिएबल एंड ऑल अदर वेरिएबल्स टेकन टूगैदर, तो जदों इन्हां दे विच तिन्ना मान लो एक्स वाई एंड जैड थ्री वेरिएबल्स ने, इन्हां दे विच जो रिलेशन फाइंड किया जाऊगा इकट्ठा फाइंड किया, दैट इज़ मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आप करना है पार्शियल कोरिलेशन एंड टोटल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन व्हेन देयर आर मोर दैन टू वेरिएबल्स, जे विच भी वेरिएबल्स की हो गए मोर दैन टू, एक्स वाई और जैड जा होर भी हो सकते हैं, एंड द रिलेशन बिटवीन एनी टू ऑफ द वेरिएबल्स इज स्टडी एज्यूमिंग अदर वेरिएबल एज कॉन्सटेंट, इट इज़ पार्शियल कोरिलेशन। तो जदों ये रिलेशन जो फाइन किया जाऊगा तिना का इकट्ठा ना हो के, इकट्ठा रिलेशन तिना ना फाइंड करके दोनों इकट्ठा लैके तीसरे को रखा जाऊगा कॉन्सटेंट का। फस्ट टू का मान लो जिदा एक्स वाई और जैड थ्री वेरीएबल्स ने, उन्होंने पहले एक्स से वाई का रिलेशन फाइंड कर लिया, जैड नू की रख लिया कॉन्सटेंट, ठीक है। तो इस तरीके एक नू कॉन्सटेंट रखा जाऊगा तो दूसरे दो नू इकट्ठा फाइंड किया जाऊगा रिलेशन, इट इज़ कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन। नेक्सट टोटल कोरिलेशन। टोटल कोरिलेशन दे विच की है व्हेन द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर स्टडी टेकन टूगैदर एट अ टाइम, ये जिन्हें भी वेरिएबल्स होंगे उन्होंने इकट्ठिया ही उन्हों का रिलेशन फाइंड किया जाऊगा, इट इज़ कॉल्ड टोटल कोरिलेशन। ओके लॉजिकल कोरिलेशन की है, लॉजिकल कोरिलेशन व्हेन द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नॉट ओनली मैथमेटिकली डिफाइंड बट आल्सो लॉजिकली साउंड टू, इट इज कॉल्ड लॉजिकल कोरिलेशन। एग्जाम्पल कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, प्राइस एंड डिमांड आर लॉजिकल कोरिलेशन। देखो लॉजिकल कोरिलेशन, लॉजिकल का मीनिंग की है कि किसी चीज़ के लॉजिक होना, तर्क होना। व्हेन द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, जदों असी जिहड़े कोरिलेशन फाइंड करनी है किसी भी दो वेरिएबल्स दे विच, ओह मैथमेटिकली तौर पर ना डिफाइन करके उन्हों लॉजिकली साउंड दे विच फाइंड करिए, मीनस उन्हों का कोई लॉजिक होवे, डैट इज़ कॉल्ड लॉजिकल। देखो जिदा तुसी इनकम ते कंजम्पशन लैंदे हो, तुहानू पता कि जिदा जिदा इनकम इनक्रीज होंदी जाती है साडी कंजम्पशन भी इनक्रीज होंदी जाती है, इस करके इहदे विच लॉजिक पाया जाता है। प्राइस एंड डिमांड, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜੀਕਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੋਟ ਆ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਨਲੌਜੀਕਲੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਨਲੌਜੀਕਲੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਰੇਨਫਾਲ ਐਂਡ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੇਬੀਜ਼ ਬੋਰਨ ਇਜ਼ ਇਨਲੌਜੀਕਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਸੱਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ ਨੌਨਸੈਂਸ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਨਫਾਲ ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੇਬੀਜ਼ ਬੋਰਨ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੇਨਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਲੋਜੀਕਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਜਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਲੋਜੀਕਲ ਔਰ ਨੋਨਸੈਂਸ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੋਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਓਕੇ